चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे आपके एनसीईआरटी बुक्स के बारे में, और इसमें हम लोग बात कर रहे हैं आपके भूगोल की जो कक्षा 11वीं की पहली बुक्स है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के नाम से। इसका एक चैप्टर हम लोग देख चुके हैं। कौन सा चैप्टर? भूगोल एक विषय के रूप में, इसे हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। और आप लोगों को एक सामान्य जानकारी बता दें कि इससे पहले जो भी आपकी क्लासें ली गई हैं एनसीईआरटी से संबंधित, फिर चाहे कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं तक की बुक्स हो, या फिर कक्षा 11वीं की आपका संविधान की जो बुक्स हैं उनसे संबंधित क्लासें हो, सब उस आपकी एनसीईआरटी पूर्ण कवरेज के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसी में डली हुई है। और इन सब की पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डाल दी गई है। और फिर से मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोग अगर सिविल सर्विस या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को एनसीईआरटी समय रहते हुए पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इन एनसीईआरटी पढ़े बिना मुझे नहीं लगता है कि कुछ उखड़ने वाला है। ठीक है, और याद रखिए इतनी साधारण शब्दों में लिखी गई है कि आप आसानी से इन्हें अपने आप से भी कंप्लीट कर सकते हैं, आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग दूसरा चैप्टर देखते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इकाई 2, इसमें पृथ्वी पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, पृथ्वी का आंतरिक भाग, वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, प्लेट विवर्तनी की, भूकंप एवं ज्वालामुखी के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, क्या आपको यह कविता याद है कि जो आपने अपनी नर्सरी की कक्षा में पढ़ी थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बचपन से ही तारों में भरी रातों में, रातों ने हमें हमेशा आकर्षित किया है। और बचपन में आप लोग देखते होंगे कि जब आपसे कहा जाता था कि कोई कविता सुनाइए आप लोग, तो आप लोगों को यही रटी होती थी। समझ रहे हैं, किसी को कुछ आता हो या ना आता हो, इंग्लिश का कुछ एबीसीडी पूरे सभी अक्षर आते हो या नहीं आते हो, लेकिन एक कविता सभी को, पोएम सबको रटी होती थी। आपने भी इन तारों के बारे में सोचा होगा और असंख्य प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे। कुछ इस प्रकार के प्रश्न, जैसे आकाश में कितने तारे हैं, ये तारे कैसे बने हैं, क्या कोई आकाश के अंत तक पहुंच सकता है। इन प्रश्नों के अतिरिक्त भी कई प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे। इस अध्याय में आप जानेंगे कि टिमटिमाते छोटे तारे कैसे बने, और इसके साथ ही आप पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास की कहानी भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है, बहुत कुछ जानने के लिए आप लोगों के पास होगा। बड़ा बड़ा आपको बड़े बस धैर्य के साथ सुनना है। तो मुझे लगता है कि आप अगर जिस क्षेत्र में उतरे हुए हैं तो उसमें से सबसे ज्यादा धैर्य की ही जरूरत होती है। समझ रहे हैं आप लोग? आरंभिक सिद्धांत, पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों व वैज्ञानिकों ने अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं। इसमें एक बात और आपको बताऊं, आप समझिए कि अगर आप ग्रंथों के हिसाब से जाएंगे तो उसकी कुछ अलग व्याख्याएं की गई होंगी। आप लिखेंगे वैज्ञानिकों के तरीके से अलग व्याख्याएं की गई हैं, तो आप लोगों को दोनों व्याख्याओं के बारे में पढ़ना है। इनमें से एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट का है। 1796 में गणितज्ञ लाप्लेस ने इसका संशोधन प्रस्तुत किया, जो निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है, जो कि सूर्य की युवा अवस्था से संबद्ध थे। बाद में आप देखेंगे कि 1990 माफ करिए 1900 में, सन 1900 ईस्वी में चेम्बरलेन और मोल्टन ने कहा है कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नजदीक से गुजरा है। इसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से किनारे के आकार का कुछ पदार्थ निकल कर अलग हो गया है। यह तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य के सतह से बाहर निकला हुआ यह पदार्थ सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा, और यही धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया है। पहले सर जेम्स जीन्स और बाद में सर हेरोल्ड सेपनी ने इस बात मत का समर्थन भी किया था। यह भी कुछ समय बाद तर्क सूर्य के साथ एक और स्थायी तारे होने की बात मानते हैं। ये तर्क दो तारक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। 1950 में रूस के ऑटो सिमिड व जर्मनी के कार्ल वाई जास्कर ने निहारिका परिकल्पना में कुछ संशोधन किया, जिसमें विवरण भिन्न था, और उनके विचार से सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूल धूली कणों की बनी थी। इसमें आप देखते हैं कि हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया। ठीक है,
इन कणों के घर्षण व टकराने से एक चपटी पस्तरी की आकृति के बादल का निर्माण हुआ और अभिविधि विक्रम द्वारा ही ग्रहों के निर्माण हुआ। अंतोगत्या वैज्ञानिकों ने पृथ्वी या फिर अन्य ग्रहों की ही नहीं वरन पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास भी किया है। आप लोगों ने देखा होगा, पहले कहा जाता था कि बृहस्पति के सबसे ज्यादा उपग्रह है, फिर कहा जाने लगा शनि के उपग्रह सबसे ज्यादा है। किसके? शनि के उपग्रह के सबसे ज्यादा उपग्रह है शनि ग्रह के। आप समझिए, आप जब जब तकनीक विकसित होती रहेगी तो नई नई परिभाषाएं भी गढ़ी जाती रहेंगी आगे भी। समझ रहे हैं आप लोग? किसी ने एक देखा होगा तो उसने कह दिया अच्छा एक है बृहस्पति का उपग्रह, फिर किसी ने दो देख लिए तो उसने कहा कि अच्छा दो है, फिर कोई और अच्छी दूरबीन या कोई अच्छी तकनीक आई उसने और चार पांच देख लिए तो उसने क्या कहा कि चार पांच हैं। तो इस तरह से नई नई खोजें और नई नई एक तरह से व्याख्याएं होती रहेंगी। ठीक है, आधुनिक अभी वर्तमान समय की बात करें, ये तो पूरी पृथ्वी की जो भी उत्पत्ति की बात की जा रही है, आरंभिक यानी कि शुरू के सिद्धांत जो भी गढ़े गए उनके बारे में बात की है। आधुनिक सिद्धांत की बात करें तो आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्व सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत और सबसे एक तरह से उचित सिद्धांत कहें तो अभी तक यही है। इसे विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। 1920 में सन 1920 में आपको देखने को मिलेगा 1920 में एडविन हब्बल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। समय बीतने के साथ आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं। आप प्रयोग कर जान सकते हैं कि ब्रह्मांड विस्तार का क्या अर्थ है। एक गुब्बारा लें और उस पर कुछ निशान लगाएं और जिनको आकाशगंगाएं मान लें हम लोग। आप जब आप इस गुब्बारे को फैलाएंगे, गुब्बारे पर लगे ये निशान गुब्बारे के फैलने के साथ साथ एक दूसरे से दूर जाते प्रतीत होते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं पृथ्वी। इस प्रकार आकाशगंगा के बीच की दूरी भी बढ़ रही है और परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। यद्यपि आप कह पाएंगे कि गुब्बारे पर लगे चिन्हों के बीच की दूरी के अतिरिक्त चिन्ह स्वयं भी बढ़ रहे हैं। जब यह तथ्य के अनुरूप नहीं है तो वैज्ञानिक मानते हैं कि आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, परंतु प्रेक्षण आकाशगंगाओं के विस्तार को नहीं सिद्ध करते हैं। अतः गुब्बारे का उदाहरण आंशिक रूप से ही मान्य है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में हुआ है। पहले आप लोग देखिए एकाकी परमाणु, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आरंभ में भी सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना अति छोटे गोलक एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे और जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। एक तरह से आप समझिए कि एक बॉल को आप लोग ले लीजिए। ठीक है, आप बॉल देखेंगे, एक बॉल है, इसमें आप देखिए कि आगे टूटती जाए, या फिर गुब्बारे को उदाहरण आप लोगों ने लिया है उसे भी आप लोग लिख सकते हैं। तो यही हुआ है, सबसे पहले कहा जाता है कि पूरा पृथ्वी सब कुछ एक था, जुड़ा हुआ था पूरा, फिर उसके बाद इसमें फूटना शुरू हुआ, अलग अलग होना शुरू हुआ। ठीक है, आप लोग महाद्वीपों की व्याख्या के बारे में भी तो पढ़ते हैं, पहले सब जुड़ा हुआ था, फिर आपने सुना होगा कि ये सभी महाद्वीप अलग अलग हो गए। ठीक है, बिग बैंग की प्रक्रिया में इससे अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ, यानी कि आप समझिए कि एक तरह से जो एक गोला था उसमें विस्फोट हुआ और अलग अलग तरह से एक तरह से फूट गए। आप समझिए एक गेंद है, ठोस गेंद है, उसमें आप लोग कोई ऐसा विस्फोटक वस्तु रखिए, उसे फोड़ने की कोशिश कीजिए, उसमें जैसे ही आप लोग समझिए विस्फोट होगा, अलग अलग दिशा में उसमें से कुछ आप समझिए बॉल का हिस्सा दूसरी दिशा में चला जाएगा, कुछ का दूसरी दिशा में चला जाएगा, वही हुआ। और इसी से आप देखते हैं विभिन्न तरह के महाद्वीप बनते हैं। फिर आप समझते हैं कि एक महासागर पानी भर गया तो आपने देखा होगा विभिन्न तरह के महासागर भी बन चुके हैं आपके। ठीक है, प्रक्रिया से बेहद विस्तार हुआ है। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्षों पहले हुई थी। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थों में परिवर्तित हो गई है। विस्फोट के बाद एक सेकेंड के अल्पांश के अंतर्गत ही बेहद विस्तार हुआ। इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई और बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ। बिग बैंग ने 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 डिग्री केल्विन तक गिर गया और परमाणुवीय पदार्थ का निर्माण हुआ और ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है कि आकाशगंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार होना। होयल ने इसका विकल्प स्थिर अवस्था संकल्पना के नाम से
प्रस्तुत किया, और इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा है। यद्यपि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों के मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय अब ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत के ही पक्ष में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, अब बात करते हैं तारों के निर्माण के बारे में। ठीक है, आप लोगों ने यह भी सुना होगा कि सबसे पहले एक बड़ा महाद्वीप हुआ करता था जिसे आप लोग पैंगिया के नाम से जानते थे। फिर आपने सुना होगा एक महासागर हुआ करता था, पैंथालासा। पैंगिया का विखंडन हुआ और आप देखते हैं जो भी महाद्वीप हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, और महासागर का भी विखंडन हुआ। आप समझे कि जो आपके जो पैंगिया का बेहद महाद्वीप था इसका विखंडन हुआ, तो जो बीच में खाली स्थान रहा उसमें पैंथालासा का पानी भर गया, और आप विभिन्न तरह के जो भी आपके महासागर हैं, हिंद महासागर हो, प्रशांत महासागर हो, आर्कटिक महासागर हो, ये सब हैं। ठीक है, और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वैगनर ने दिया था 1912 में। ये भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग तारों का निर्माण। प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का विस्तरण समान नहीं था, घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थों का एकत्तन हुआ। यही एकत्तन का आकाशगंगाओं के विकास का आधार बना, और एक आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह है। आकाशगंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्षों में मापी जाती है। एक अकेली आकाशगंगा का व्यास 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच पहुंचता है, और एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे हम लोग निहारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? निहारिका कहते हैं। क्रमशः इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए हैं, और ये झुंड बढ़ते 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 घने गैसीय पिंड बने, जिससे तारों का निर्माण आरंभ हुआ। ऐसा विश्वास किया जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्षों पहले हुआ था। आप समझ सकते हैं कि हमारा तो जन्म का मालूम ही चलेगा बहुत पहले हो चुका था, 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ था। प्रकाश वर्ष की बात करें, ये भी कई बार आप लोगों को याद रखना चाहिए, पूछ लेता है। प्रकाश वर्ष समय का नहीं वरन दूरी का माप है। इससे क्या होता है कि प्रकाश वर्ष कहने का मतलब दूरी मापी जाती है। इससे प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, और विचारणीय है कि एक साल में प्रकाश जितनी दूरी करेगा तय करेगा वही एक प्रकाश वर्ष होगा। यह 9.46 × 10^12 किलोमीटर के बराबर है। पृथ्वी व सूर्य के औसतन दूरी की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा पृथ्वी व सूर्य के बीच की 14,95,98,000 किलोमीटर है। प्रकाश वर्ष के संदर्भ में यह प्रकाश वर्ष का केवल 8.311 है। कितना? 8.311। अगर हम ग्रहों के निर्माण की बात करें तो ग्रहों के विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं मानी जाती हैं। कौन कौन सी हैं? तारे निहारिका के अंदर गैस के गुंथित गुंथित झुंड हैं। इन गुंथित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में कोर का निर्माण हुआ। उस गैसीय कोर के चारों तरफ गैस व धूल कणों की घूमती हुई तस्तरी विकसित हुई। अगली अवस्था में गैसीय बादल का संघनन आरंभ हुआ, और कोर को ढकने वाला पदार्थ छोटे गोलों के रूप में विकसित हुआ। ये छोटे गोले ससंजन अणुओं के में पारस्परिक आकर्षण प्रक्रिया द्वारा ग्रह अणुओं में विकसित हुए। संगठन की क्रिया द्वारा बड़े पिंड बनने शुरू हुए, और गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप ये आपस में जुड़ गए। छोटे पिंडों की अधिक संख्या ही ग्रह अणु है, यानी कि जो अधिक संख्या में जो भी आपके छोटे पिंड है वही एक तरह से ग्रह है। अंतिम अवस्था में इन अनेक छोटे ग्रह अणुओं के सहवर्धित होने पर कुछ बड़े पिंड ग्रहों के रूप में बने। और सौरमंडल की अगर बात करें तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कितने? 8 ग्रह हैं। निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है, और उसके ध्वस्त होने व क्रोड के बनने की शुरुआत लगभग 5 से 5.6 अरब वर्षों पहले हुई। वह ग्रह लगभग 4.6 से 4.56 अरब वर्षों पहले बने। हमारे सौरमंडल में सूर्य तारा 8 ग्रह और 63 उपग्रह, लाखों छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह ग्रहों के टुकड़े हो गए, धूमकेतु एवं बेहद मात्रा में धूलिकण व गैस देखने को मिलेगी। मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूँ कि जो नए हो सकता है कि आप समझिए अभी 8 उपग्रह आपके ग्रह, कल और भी ग्रहों की खोज हो सकती है इस तरह की तकनीक आ जाए, तो इस पर आप लोगों को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक आप लोगों को परिभाषा समझाने के लिए यहाँ बताया गया है।
और आप लोग करंट से जुड़े रहते हैं, इसीलिए तो कहा जाता है आप लोग करंट पढ़ते रहिए, आप लोग एक न्यूज़पेपर फॉलो करते रहा करिएगा। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो जनसत्ता या फिर दैनिक जागरण जागरण तो राष्ट्रीय संस्करण पढ़ सकते हैं, जिससे क्या होगा कि करंट में जो भी घटनाएं घट रही हैं उनके बारे में आपको मालूम चलता रहता है। ठीक है, इन 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल भीतरी ग्रह कहलाते हैं। याद रखिए, जो बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल है, ये इन्हें क्या कहते हैं? भीतरी ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच देखने को मिलेंगे। अन्य 4 ग्रह बाहरी ग्रह कहलाते हैं। पहले 4 ग्रह पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, यानी कि जो पहले 4 ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल या भीतरी, इन्हें भीतरी ग्रह भी कहते हैं या फिर पार्थिव ग्रह भी कहते हैं आप लोग। इसका अर्थ है कि यह ग्रह ग्रह पृथ्वी की भांति ही शैलों और धातुओं से बने और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं। अन्य 4 ग्रह गैस से बने विशाल ग्रह या फिर जोवियन ग्रह कहलाते हैं। जोवियन का अर्थ होता है बृहस्पति की तरह। इनमें से अधिकतर पार्थिव ग्रहों से विशाल हैं और हाइड्रोजन व हीलियम से बना सघन वायुमंडल है। सभी ग्रहों का निर्माण लगभग आपको देखने को मिलेगा 4.6 अरब वर्षों पहले ही एक ही समय में हुआ था। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन आप सभी जानते होंगे कि अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड और तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। हमारे सौरमंडल से संबंधित कुछ तत्व सारणी 2.1 में दिए गए हैं, इन्हें आप लोग देख सकते हैं। दूरी बुध की देख लीजिए आप लोग, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। घनत्व भी इनका दिया गया है, ठीक है, सभी का। अर्थव्यास भी उपग्रह की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इन्हें करंट से आप लोग अपग्रेड भी करते रहा करिएगा, आप लोग पढ़ते रहा करिएगा। सूर्य से दूरी खगोलीय एकक में है। अगर पृथ्वी की मध्यमान दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर की एकांक के बराबर है, ठीक है, इसमें देख सकते हैं आप लोग। चलिए हम लोग बात करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास की। अगर बात करें हम लोग तो पार्थिव ग्रह जनक तारे के बहुत समीप बने, जहां अत्यधिक तापमान के कारण गैस गैसें संघनित नहीं हो पाई और घनीभूत भी ना हो सकी। जोवियन ग्रहों की संरचना अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर हुई। सौर वायु सूर्य के नजदीक ज्यादा शक्तिशाली थी और अतः पार्थिव ग्रह से ज्यादा ज्यादा मात्रा में गैस व धूलकण उड़ा ले गई और सौर पवन इतनी शक्तिशाली ना होने के कारण जोवियन ग्रहों से गैसों को नहीं हटा पाई। पार्थिव ग्रहों के छोटे होने से इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम रही, जिसके परिणाम स्वरूप इनमें निकली हुई गैस इन पर रुकी नहीं, ठीक है। अगर चंद्रमा की हम लोग बात करें तो चंद्रमा पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह है। क्या है? प्राकृतिक उपग्रह है, ये भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है, ठीक है। पृथ्वी की तरह चंद्रमा की उत्पत्ति संबंधी मत प्रस्तुत किए गए हैं। सन 1838 में सर जॉर्ज डार्विन ने सुझाया कि प्रारंभ में पृथ्वी पर चंद्रमा तेजी से घूमते भी पिंड थे। यह पूरा पिंड डबल बीच से पतला व किनारों से मोटा की आकृति में परिवर्तित हुआ और अंतोगत टूट गया। और उनके अनुसार चंद्रमा का निर्माण उसी पदार्थ से हुआ है और जहां आज प्रशांत महासागर एक गर्त के रूप में मौजूद है। इसके बाद आप देखेंगे वर्तमान समय के वैज्ञानिक इनमें से किसी भी व्याख्या को स्वीकार नहीं करते हैं। मैं पहले भी आप लोगों को बोला हूँ कि नए नए आप समझिए तकनीक आएगी और नई नई व्याख्याएं घटती रहेंगी। ऐसा विश्वास किया जाता है कि पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव का नतीजा है, जिसे द बिग स्प्लिट कहा जाता है। ऐसा मानना है कि पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह के 1 से 3 गुना बड़े आकार के पिंड पृथ्वी से टकराया और इस टकराव से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया और टकराव से अलग हुआ यह पदार्थ फिर पृथ्वी के कक्ष में घूमने लगा और क्रमशः आज का चंद्रमा बना, जो आज आप लोग चंद्रमा देखते हैं, चंद्रमामा भी कहते हैं। यह घटना चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग आपको देखने को मिलेगी 4.44 अरब वर्षों पहले देखने को मिलेगी। पृथ्वी के उद्भव की अगर बात करें तो क्या आप जानते हैं कि प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी, गर्म और वीरान ग्रह थी, जिसका वायुमंडल विरल था, जो हाइड्रोजन व हीलियम से बना था। अब यह आज की पृथ्वी की वायुमंडल से बहुत अलग था उस समय का। अतः कुछ ऐसी घटनाएं एवं क्रियाएं अवश्य हुई जो होंगी, जिनके कारण चट्टानी, वीरान और गर्म पृथ्वी एक ऐसे सुंदर ग्रह में परिवर्तित हुई जहां बहुत सा पानी तथा जीवन के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध हुआ है। अगले कुछ भागों में आप पढ़ेंगे कि आज से 460 करोड़ सालों के दौरान इस ग्रह पर जीवन का विकास कैसे हुआ है। आप समझ सकते हैं कि हम लोगों ने किस तरह से सर्वाइवल किया, हम लोग चलते रहे और हम लोग यहां तक पहुंचे हैं, ठीक है।
पृथ्वी की संरचना परतदार है। वायुमंडल की बाहरी छोर से पृथ्वी के कोर तक जो पदार्थ है वे एक समान नहीं है आपको देखने को मिलेगा, बदलते रहते हैं। वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व सबसे कम देखने को मिलेगा। पृथ्वी की सतह से इसके भीतरी भाग तक अनेक मंडल है और हर एक भाग के पदार्थ की अलग विशेषताएं भी आपको देखने को मिलेगी। आप लोग सुनते होंगे ये भी, तो आप लोगों ने सुना भी तो होगा कि आप लोग देखते हैं सुनते रहते होंगे कि निचली परत ऊपरी परत मेंटल निचला मेंटल फिर आप लोग कोर आंतरिक कोर, समझ रहे हैं आप लोग, इनके बारे में भी तो आप लोग सुनते रहते होंगे। और आप लोग सुनते रहते होंगे कि निकल फेरस नीचे आपको कोर में देखने को मिलेगा, ठीक है, बीच में आपको अर्ध तरल अवस्था भी देखने को मिलेगा हम लोग ऊपर से जब नीचे जाएंगे, ठीक है। तो यही कहानी है इसकी पृथ्वी की। बात करते हैं स्थल मंडल का विकास, जो हम लोग रह रहे हैं जिस परिस्थिति तो आप लोग कहते हैं स्थल मंडल। ग्रहणों व दूसरे खगोलीय पिंड ज्यादातर एक जैसे ही घने और हल्के पदार्थों के मिश्रण से बने। उल्काओं के अध्ययन से हमें इस बात का पता चलता है कि बहुत से ग्रहणुओं के इकट्ठे होने से ग्रह बने हैं। पृथ्वी की रचना भी इसी प्रक्रम के अनुरूप हुई है। जब पदार्थ गुरुत्व बल के कारण सहन हो रहा था तो उन इकट्ठा होते पिंडों ने पदार्थ को प्रभावित किया और इससे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई। यह क्रिया जारी रही और उत्पन्न ताप से पदार्थ पिघलने गलने लगा और ऐसा पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान और उत्पत्ति के तुरंत बाद हुआ। अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई और तापमान की अधिकता के कारण ही हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ घनत्व के अंतर के कारण अलग अलग होना शुरू हो गए। और इसी अलगाव से भारी पदार्थ जैसे लोहा पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह या ऊपरी भाग की तरफ आ गए। और समय के साथ यह और ठंडे हुए और ठोस रूप में परिवर्तित होकर छोटे आकार के हो गए। अंतोगत्या यह पृथ्वी की भूपर्पटी के रूप में विकसित हो गए। हल्के भारी भारी घनत्व वाले पदार्थ पृथक होने की इस प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान भीषण संगठक के कारण पृथ्वी का तापमान पुनः बढ़ा, फिर ऊर्जा उत्पन्न हुई और यह विभेदन का दूसरा चरण था। विभेदन की इस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी का पदार्थ अनेक परतों में अलग हो गया। पृथ्वी के धरातल से कोर तक कई परतें पाई जाती हैं, जैसे परपटी के बारे में सुनते हैं, व्यवहार के बारे में मेंटल के बारे में सुनते होंगे, बाह्य कोर के बारे में सुनते होंगे, आउटर कोर के बारे में, आंतरिक कोर या इनर कोर के बारे में आप लोग सुनते हैं। पृथ्वी के ऊपरी भाग से आंतरिक भाग तक पदार्थ का घनत्व बढ़ता है। हर परत की विशेषताओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। मैं आप लोगों से एक बात और बताऊंगा, यहाँ आप लोग ज्यादा दिमाग मत लगा दिए, आप लोग एक से दो बार NCERT पढ़िए और निकल जाइए। जब आप कोई स्पेशल बुक्स पढ़ेंगे तो आपका उसमें विस्तार से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ केवल आप लोगों को एक तरह से बेस बनाना है, अपना बेस मजबूत करना है। वही हाल है कि आप लोग एक मकान बना रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ नींव भरने के लिए कहा जा रहा है। ऊपर आप लोग विस्तार से निकालते रहिए कौन कमरा कहाँ बनाना है, क्या क्या बनाना है, ठीक है। तो वही करिए आप लोग। यहाँ कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इन्हें भी आप लोग देख सकते हैं। भूविज्ञानिक काल मापक्रम, ए ईयान हो गया और ये महाकल्प हो गया। कल्प योग आयु आधुनिक वर्ष पहले जीवन मुख्य घटना है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे नव जीवन जिसे आप लोग सैनस जो एक कहते हैं, आज से 6.3 करोड़ वर्ष पहले। इसमें आप देखेंगे चतुर्थ कल्प की बात करें तो अभिनव अत्यंत न्यूतन, इसे इतिहास में भी आप लोग पढ़ते होंगे। जीरो से आप देखेंगे 0 से 10,000 और 10,000 से 20 लाख वर्ष आधुनिक वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा आधुनिक मानव और आदि मानव देखने को मिलेगा, इसी समय की बात है। तृतीय कल्प की बात करें तो अति न्यूतन एक देखने को मिलेगा 20 लाख से 50 लाख वर्ष पूर्व की बात कर रहा हूँ पहले, ठीक है। आरंभिक मनुष्य के पूर्वज इस समय के रहे थे। अल्प न्यूतन की बात करें तो इसमें 50 लाख से 2.4 करोड़ वर्ष, इसमें वन मानस हो गया, फूल वाले पौधे और वृक्ष देखने को मिलेंगे इस समय के, इस समय इनकी उत्पत्ति भी एक तरह से। अधिनूतन की बात करें तो 2.2 करोड़ से 3.7 करोड़ मनुष्य से मिलता जुलता वनमानुष जंतु इस समय आपको देखने को मिला है। अधिनूतन की बात करें तो 3.7 करोड़ से 5.8 करोड़ आधुनिक वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ, खरगोश इस समय आपको देखने को मिलेगा। इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि खरगोश किस युग में आया, तो अधिनूतन में। पुरानूतन की बात करें तो इसमें आप देखेंगे 5.7 करोड़ से 6.5 करोड़
छोटे स्तनपाई इसमें चूहे इस समय की आपकी देखने को मिलेंगे। फिर आप देखें मध्यजीवी, 6.5 करोड़ से 24.5 करोड़ वर्ष पहले स्तनपाई, इसमें क्रेटिशियस ये आपको देखने को मिलेगा 6.5 करोड़ से 14.4 करोड़। डायनासोर का विलुप्त होना इसी समय की बात है, ठीक है। जुरेसिक इसमें आपका देखेंगे, ये भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लिया है कि डायनासोर का युग कौन सा है, तो जुरेसिक युग में हुआ था ये, ठीक है। 14.4 से 20.8 करोड़ वर्ष पूर्व के पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रियासिक काल की बात करें तो 20.8 से आपको देखने को मिलेगा 24.5 करोड़ वर्ष, मेंढक व समुद्री कछुआ इस समय की बात है, ठीक है। पूरा जीव 24.5 करोड़ वर्ष से 57.0 करोड़ वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ। परमियन इस समय आपको 24.5 करोड़ से 28.6 वर्ष पहले। रेंगने वाले जीवों की अधिकता जल स्तर इस तरह के रहे। कार्बोनिफेरस इस समय 28.6 से 36.0 करोड़ वर्ष पर पहले रेंगने वाले जंतु, जंतु रीढ़ की हड्डी वाले पहले जीव इस समय रहे होंगे। डेवोनियन 36.0 से 40.8 करोड़ वर्ष पहले स्थल व जल में रहने वाले जीव। प्रवालवदी सेलरियन 40.8, 40.8 करोड़ से आपको देखने को मिलेगा 43.8 करोड़। स्थल पर जीवन के प्रथम चिन्ह पौधे। फिर आप देखेंगे ऑर्डो बीसीएन 43.8 से 50.5 करोड़ पहली मछली समय। कैम्बियन की बात करें तो 50.5 से 57.0 करोड़ वर्ष पहले स्थल पर कोई जीवन नहीं, जल में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव देखने को मिलेंगे। फिर आप देखेंगे प्रयाग जीव, आग महाकल्प हेडियन, पूर्वी कैम्बियन 57 करोड़ से 4 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले, 57 करोड़ से 2 अरब 50 करोड़ वर्ष, इसमें कई जोड़े वाले जीव देखने को मिलेंगे। 2.5 अरब से 3.8 अरब वर्ष पहले ब्लू ग्रीन शैवाल एक कोशिकीय जीवाणु, 3.8 अरब से महाद्वीप व महासागर का निर्माण होता है, 4.8 अरब वर्ष पहले महासागर व वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता देखने को मिलेगी। तारों की बात करें तो 5 तारों की सुपरनोवा बिग बैंग 5 अरब से 13.7 वर्ष पहले, ये 5 अरब वर्ष पहले की बात करें तो सूर्य की उत्पत्ति हुई, 12 अरब पहले की बात करें तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई 13.7 पहले, ठीक है। एक बात आप लोगों को यहाँ और बता दूं, आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, किस युग में किसका जन्म हुआ किस तरह के देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्या पूछता है आप लोगों से पूछने के इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक सेकेंड देखिए आप लोगों से पृथ्वी का भूगर्भिक काल की पूछा तो ये आपसे पूछ लेता है कि मछली युग कौन सा है, तो डेवोनियन, ये आपका 40 करोड़ वर्ष पूर्व रहा है। कोयला युग के बारे में पूछता है तो कार्बोनिकेरस ये 35 करोड़ वर्ष पूर्व कोयला युग कहा जाता है। डायनासोर युग के बारे में पूछ लेता है तो जुरेसिक कहते हैं, ये आपका 18 करोड़ BC पहले, आप समझ सकते हैं अरोड़ 18 करोड़ वर्ष पहले रही है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। इसके बारे में और आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा। बात करते हैं वायुमंडल व जलमंडल का विकास। पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन का प्रमुख योगदान रहा है। वायुमंडल की संरचना व संगठन 8वें अध्याय में बताई गई है, ठीक है। आगे यानी कि देखने को आपको मिलेगी, आप समझते हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि आपके लिए कितना जरूरी होता है ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ठीक है। वर्तमान वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं हैं। इसकी पहली अवस्था में आदिकालिक वायुमंडलीय गैसों का ह्रास है। दूसरी अवस्था में आपको देखने को मिलेगा पृथ्वी के भीतर से निकली भाप एवं जलवाष्प ने वायुमंडल के विकास में सहयोग किया। अंत में वायुमंडल की संरचना को जैव मंडल के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ने संशोधित किया है। प्रारंभिक वायुमंडल जिसमें हाइड्रोजन व हीलियम की अधिकता थी, सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गया, और ऐसा केवल पृथ्वी पर ही नहीं वरन सभी पार्थिव ग्रहों पर भी देखने को मिलेगा, यानी कि बाकी जो भी आपके पार्थिव ग्रह हैं उन पर भी इस तरह की क्रियाएं देखने को मिली हैं। अर्थात सभी पार्थिव ग्रहों ने सौर पवन के प्रभाव के कारण आदिकालिक वायुमंडल या तो दूर धकेल दिया गया या फिर समाप्त हो गया। यह वायुमंडल के विकास की पहली अवस्था थी। पृथ्वी के ठंडा होने विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदरूनी भाग से बहुत सी गैसें
गैसें जल वाष्प बाहर निकली। इसी से आज के वायुमंडल का उद्भव आपको देखने को मिलेगा। आरंभ में वायुमंडल में जल वाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन व अमोनिया अधिक मात्रा में और स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम थी। वह प्रक्रिया जिसमें जिससे पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसें धरती पर आईं और इसे गैस उत्सर्जन कहा जाता है। लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में जल वाष्प व गैस बढ़ने लगी और पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ जल वाष्प का संघनन शुरू हो गया और वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की वर्षा के पानी में घुलने से तापमान में और अधिक गिरावट आई। फलस्वरूप अधिक संघनन व अत्यधिक वर्षा हुई और पृथ्वी के धरातल पर वर्षा का जल गर्तों में इकट्ठा होने लगा, जिससे महासागर आपके देखने को मिलेंगे। पृथ्वी पर उपस्थित महासागर पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ सालों के अंतर्गत बने। इससे हमें पता चलता है कि महासागर 400 करोड़ साल पुराने हैं। लगभग 380 करोड़ साल पहले जीवन का विकास आरंभ हुआ था इस पृथ्वी पर। यद्यपि लगभग 250 से 300 करोड़ साल पहले विकास संश्लेषण प्रक्रिया विकसित हुई और लंबे समय तक जीवन केवल महासागरों तक सीमित रहा है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी महासागर की देन है और धीरे धीरे महासागर ऑक्सीजन से संतृप्त हो गए और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 200 करोड़ वर्ष पूर्व पूर्ण रूप से भर गई। और जीवन की उत्पत्ति की बात करें, जो हमारा जीवन है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति का अंतिम चरण जीवन की उत्पत्ति व विकास से संबंधित देखने को मिलेगा। निसंदेह पृथ्वी का आरंभिक वायुमंडल जीवन के विकास के लिए अनुकूल नहीं था। आप समझिए कि आप लोग देखते हैं मंगल ग्रह पर कई तरह के उपग्रह भेजे जा रहे हैं, हमारे वैज्ञानिक भी जा रहे हैं, आपने देखा होगा। एक तरह से आप समझिए कि वहां भी कहा जा रहा है कि मानव की जिंदगी के लिए एक तरह से अवस्थाएं अनुकूल परिस्थिति हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो आने वाले समय में हो जाए, समझ रहे हैं आप लोग, तो वहां भी मानव जाकर रह सकता है। आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक तरह की रासायनिक प्रतिक्रिया बताते हैं, जिससे पहले जटिल जैव कार्बनिक अणु बने और उनका समूहन हुआ। यह समूहन ऐसा था जो अपने आप को दोहराता था, पुनः बनने में सक्षम था और निजी पदार्थों को जीवित तत्वों में परिवर्तित कर सका। आप लोग एक बार और सुनी होगी, आप लोगों ने आपने देखा होगा कि आप लोग देखिए कि आप लोग जल में कुछ भिगो के रख दीजिए, जैसे मान लीजिए आप लोग चने के दाने भिगो के रख दीजिए, आप लोग उसे आप लोग कपड़े में बांध के रख दीजिए, कुछ दिनों बाद आप लोग देखने को मिलेगा आपको उसमें जीव कुछ मतलब आपको कीटाणु देखने को मिलने लगेंगे। तो आप समझिए उसमें किसी ने जन्म नहीं दिया, तो आप समझ सकते हैं वहीं से उत्पत्ति होने लगती है। हमारे ग्रह पर जीवन के चिन्ह अलग अलग समय की चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाश्म के रूप में हैं और 300 करोड़ साल पुरानी भूगर्भिक सेलों में पाई जाने वाली सूक्ष्मदर्शी संरचना आज की शैवाल की संरचना से मिलती जुलती है। यह कल्पना की जा सकती है कि इससे पहले समय में साधारण संरचना वाले शैवाल नहीं शैवाल रही होगी। यह माना जाता है कि जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले हुआ और एक कोशिकीय जीवाणु से आज के मनुष्य तक जीवन के विकास का सार भूवैज्ञानिक काल मापक्रम से प्राप्त किया जा सकता है, जो वैज्ञानिक काल मापक्रम पेज 18 में आपको देखने को मिलेगा। एक बात और आपको बताऊं, यहाँ आप लोग समझिए कि आप समझिए, पहले हम लोग कहते हैं कि आदि मानव थे, हम लोगों ने देखा है कि बंदरों से किस तरह से विकास किया, तो हो सकता है कि पहले हम लोग देखिए हो क्या सकता होगा कि हम लोग एक कोशिकीय जीव होंगे, फिर हम लोगों ने और विकास किया, हमारे पैर बढ़ने हाथ शुरू हुए, हम लोग इस तरह से आते आते आज आप देख रहे हैं कि एक मानव घूम रहा है और आने वाले समय में आप समझिए कि हो सकता है कि और विकास हम लोग करें। ये आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, पढ़ते रहिए, इस तरह के क्वेश्चनों को देखा करिएगा। तो ये था आपका दूसरा चैप्टर। अगली चैप्टर में हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में और यहाँ ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है, आप लोग पढ़िए आराम से निकलते जाइए। मुझे खुद समझ में नहीं आता है कि मैं समझाने लायक है क्या आखिर। जब आप स्पेशल बुक्स पढ़ेंगे तब आपको सब कुछ कड़ी एक दूसरे से जुड़ती जाएगी। ठीक, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में आपके।